एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर फॉर ऑल विद डॉक्टर रक्षित। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं फिर आपके साथ एक बहुत ही कॉमन टॉपिक लाई हूं जो मैं अपने डेली प्रैक्टिस में देखती रहती हूं बहुत सारे पेशेंट्स में, और वो है स्ट्रेस। सो लेट्स बिगिन फास्ट विदाउट एनी डिले। देखिए, थोड़ा स्ट्रेस इज अ नॉर्मल चीज, नॉर्मल थिंग है। अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो हम लोग काम भी नहीं करेंगे, हम लोग काफी रिलैक्स हो जाएंगे। बट एक्सेसिव स्ट्रेस है, ज्यादा स्ट्रेस है, उससे हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज है, अल्सर्स हो जाते हैं पेट में, एसिडिटी है, इनडाइजेशन है, माइग्रेन के प्रॉब्लम्स होते हैं, कैंसर के प्रॉब्लम्स भी देखा गया है कि स्ट्रेस की वजह से होते हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ स्टेप्स तो लेना पड़ेगा अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम करने के लिए। तो आई बी जस्ट शेयरिंग विद यू दोज पॉइंट्स। सब में फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए कि प्रायोरिटाइज करें चीजों को, एक लिस्ट बना के कि आपको क्या इंपॉर्टेंट है वो करना है और लेस इंपॉर्टेंट को बाद में करो। ओवरवर्क मत करो, ओवरलोड मत करो। कोई आपको ज्यादा काम दे रहा है तो उसको लर्न टू से नो। अगर आपको जितना कर सकते हैं उतना ही काम अपने सर पे लीजिए, जिम्मेदारी लीजिए। सेकेंड चीज है कि अपनी हॉबीज परस्यू करें, आपको क्या पसंद है वो करिए। थोड़ा तो टाइम निकालिए, एटलीस्ट डेली नहीं तो हफ्ते में 2-3 बार जो आपको पसंद हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, गाना सुनना हो, टीवी देखना हो, थोड़ी देर के लिए स्टिचिंग है, गार्डनिंग है, कुछ भी है, रीडिंग है, हॉबीज अपनी जरूर परस्यू करिए। तीसरी चीज है कि अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखिए, कि टाइम पे सोना है, स्लीप इंपॉर्टेंट रहती है स्ट्रेस लेवल्स को कम करने के लिए, खाना इंपॉर्टेंट रहता है अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने, पानी का इंटेक बराबर होना चाहिए, 8-10 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे। तो ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, आमंड्स खाइए, बादाम खाइए, तो इससे भी आपका स्ट्रेस लेवल्स कम होगा। और फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है कि वी हैव टू कनेक्ट विद पीपल, यानी अकेले मत रहिए। ऐसा कुछ आपका फ्रेंड सर्कल बनाइए एटलीस्ट कि आप किसी के साथ शेयर कर सकें। एकदम अकेले अकेले बंद बंद रहेंगे तो उससे स्ट्रेस ज्यादा होता है। तो कोई ना कोई हो जाओ, आपका फैमिली मेंबर हो, फ्रेंड हो, कोई एक जेन्युइन पर्सन हो जिसके साथ आप कनेक्ट करिए, शेयर करिए अपने प्रॉब्लम्स को। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज लेट गो ऑफ थिंग्स। जो आपके हाथ में है, जो आप कर सकते हैं, जो आपके कंट्रोल में है वो करिए, जो आपके हाथ में नहीं है उसे नहीं कर सकते हैं आप। तो जस्ट गो विद द फ्लो, लेट गो ऑफ थिंग्स। जो आप जितना हार्ड वर्क कर सकते हैं आपके हाथ में है, बस उतना करिए एंड लीव इट। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। बाय।